हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज इस चैनल पे दो वीडियो अपलोड होता है फ्रेंड्स, एक साइंस का और एक जीके का, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। क्या होगा सही आंसर? अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, पत्ते से, तना से, छाल से, या फिर फल आवरण से। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फल आवरण से। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? ए समोच्च कृषि, बी समोच्च वेदिकाकरण, सी अवनालिका नियंत्रण, या फिर बेसिन लास्टिंग। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, समोच्च कृषि। इसका कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ए पेंटोस शर्करा, बी हेक्सोस शर्करा, सी टेट्रोस शर्करा, या फिर डाइओस शर्करा। क्या होगा फ्रेंड सही आंसर? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, बी हो जाएगा, हेक्सोस शर्करा का। ठीक है, आगे, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? क्या होगा? एक, दो, अनेक, शून्य। तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा इसका शून्य। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी जो होता है फ्रेंड्स, किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ए विवर्तन, बी परिक्षेपण, सी ध्रुवन, डी परावर्तन। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका सी, ध्रुवन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। क्या होगा? ए ऑप्शन है वर्धमान, बी ह्रासमान, सी शून्य, डी अपरिवर्ती। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण क्या होता है? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डी अपरिवर्ती। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल, या फिर गुरुत्वीय बल, या फिर घर्षण बल। क्या होगा सही आंसर फ्रेंड्स? तो सही आंसर हो जाएगा ए, अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। टेलनेट का क्या तात्पर्य है? ए टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क, या फिर टेलीफैक्स नेटवर्क। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका तात्पर्य होता है टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ए स्वर्ण, बी चांदी, सी पारद, डी तांबा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका, पारद का गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, आगे, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, आगे सल्फर डाइऑक्साइड, डी मीथेन। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा इसका मीथेन। ठीक है, आगे, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? ए तना, बी अनुपर्ण, सी पत्ते, डी कलियां। तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ते। ठीक है, आगे, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है ए माइक्रोसिस्टिस, बी माइक्रोप्लाज्मा, सी बैक्टीरिया, डी क्लोरेला। क्या होगा सही आंसर फ्रेंड्स? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा बी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब चलते हैं। ठीक है, अगला है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, अपवर्तन और परिक्षेपण,
परिकर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और प्रवर्तन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अपवर्तन और प्रवर्तन। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? ए निम्न तापमान, बी निम्न वायुमंडलीय दाब, सी उच्च तापमान, डी उच्च वायुमंडलीय दाब। क्या होगा आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका निम्न वायुमंडलीय दाब। ठीक है, आगे अगला है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? ए सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या फिर सिल्वर आयोडाइड। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका ए सोडियम थायोसल्फेट। आगे न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई या फिर ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण या फिर न्यूट्रॉन के प्रतिकण। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? लिपिड, एस्ट्रॉइड, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। क्या होगा सही आंसर? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं फ्रेंड्स, एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, किस अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रगलन, अधिशोषण, निष्पातन या फिर भर्जन। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड सही आंसर जो इसका निष्पातन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या फिर क्लोरीन। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरीन। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन की समान संख्या किंतु प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, ऑप्शन ये रहा धनायन, हिग्स बोसन, ऋणायन या फिर समस्थानिक। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका डी समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? ए अल्जाइमर रोग, बी तनिका शोध, सी मस्तिष्कघात या फिर डी हटिंगटन रोग। किस रोग से? तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका डी हटिंगटन रोग से वो ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg या फिर 130/90 या फिर 160/95, 80/120। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स ए हो जाएगा आंसर, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, सामान्य रक्त दाब। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स? वोल्टा, फैराडे, मैक्सवेल या फिर रोइंटसन। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ए आंसर हो जाएगा इसका, वोल्टा ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित ध्रुवतर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कैसे या फिर डिस्क। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी कैसे। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यक्तिकरण। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका सी का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आगे, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? बैंगनी प्रकाश, हरित प्रकाश, पीत प्रकाश या फिर लाल प्रकाश।
तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका, ठीक है, बैगनी प्रकाश। आगे चलते हैं हम लोग, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? ए ऑप्शन है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, या फिर यह घोल को शक्ति देता है, या फिर यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, या साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। क्या होगा सही आंसर? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है फ्रेंड्स? तो इसका ए आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर यह है कि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी, ठीक है, आगे है, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है प्रवृक्क द्वारा, या फिर मध्यवृक्क द्वारा, या फिर पश्चवृक्क, या कोशिका गुच्छ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका गुच्छ के कारण। आगे चलते हैं, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? खसरा, चेचक, छोटी माता, या फिर कंठमाला। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका चेचक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, किस रोग को, तो ये वाला हो गया फ्रेंड्स। आगे, वायु को संतृप्त कब माना जाता है? वायु को संतृप्त कब माना जाता है? जब दाब न्यूनतम हो, जब इसकी मोटाई अधिकतम हो, या फिर जब यह बंजर भूमि पर चलती हो, या फिर जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। क्या होगा सही आंसर? वायु को कब संतृप्त माना जाता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। आगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, रिकेट्स, प्लेग्रा, या फिर रतौंधी। क्या होगा सही आंसर? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है फ्रेंड्स? विटामिन ए की कमी से डी हो जाएगा आंसर, रतौंधी रोग फैलता है। ठीक है, आगे अगला है, अयस्क के ताप उपचार प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है हाइड्रोमेटोलॉजी, या फिर पायरोमेटोलॉजी, क्रायोमेटोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रोमेटोलॉजी। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका बी, पायरोमेटोलॉजी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर रोज इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन जो है अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।